हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू गोभी और मटर का सब्जी बनाएंगे। देख लेते हैं बनाने की विधि। पहले से हमने गैस पर कढ़ाई रख दिए थे, कढ़ाई गर्म हो चुका है। उसमें हम अब सरसों तेल डालेंगे। अब इसमें हम ऐसे बड़े टुकड़े में आलू कटा हुआ डालकर फ्राई करेंगे। चलाते हुए भून लेंगे। जब तक आलू भून रहा है तब तक हम मसाला पीस लेते हैं। दो टमाटर लेंगे, दो हरा मिर्च लेंगे, एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लेंगे, 7 से 8 लहसुन के कली ले लेंगे, 1 चम्मच जीरा लेंगे और ये सारे मसाले को हम अच्छे से पीस लेंगे। देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तेल में हम ये गोभी कटा हुआ डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। गोभी में 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे ताकि अच्छे से गोभी जल्दी फ्राई हो जाता है। देखिए गोभी भी अच्छे से भुना गया है। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसी कढ़ाई में हम फिर से तेल डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब इसमें हम 1 प्याज कटा हुआ डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे। देखिए अच्छे से प्याज भुना गया है। अब इसमें हम जो मसाला पीसे थे वो डाल देंगे और अच्छे से चला देंगे। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाला भी डाल देते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिलाते हुए मसालों को भूनेंगे तेल छोड़ने तक। इसमें हम 1 कटोरी मटर डाल देंगे, इसको भी मसाले के साथ भून लेंगे। देखिए अच्छे से मसाला भुना गया है, मसाला से तेल छोड़ने लगा। अब इसमें हम भुना हुआ गोभी डाल देंगे और भुना हुआ आलू डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देते हैं और अच्छे से मिलाते हुए भून लेंगे। देखिए अच्छे से भुना गया है। अब इसमें हम आवश्यकता अनुसार पानी डाल देते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम कसूरी मेथी डाल देते हैं, इसको भी मिला देते हैं, मिला कर ढक देंगे। अब हम सब्जी को देख लेते हैं। फिर आलू भी पक गया है और गोभी भी पक गया है, सब्जी बनकर तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसको हम सर्व कर लेते हैं। आलू गोभी और मटर का सब्जी बनकर तैयार हो गया है। बनाइए और खाइए। अपने अनुभव काशी किचन में शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।